السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى रब शाहली सदरी वसरीली अमरी वाहैनी मोहतरम सामनी और इस्लामी भाइयों आज के दरस में इनशा हम इमाम बखारी रहम् के तखबा से मुतल दो सबक आमोज़ वाक़ पेश करेंगे कि किस तरह से इमाम बखारी रहमोल्ल अबालमिन से डरने वाले थे और उनके दिल में हिसाब आखरत का किस कदर खौफ मौजूद था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया वह अम्मा मन खाफ मकाम व रबी ही वन हवा फल जन्नत मावा और जो शख्स अपने आलमीन के सामने हिसाब देने से डर गया वह अम्मा मन खाफ मक़ाम रबी अपने रब के सामने हिसाब देने से डर गया कि अल्लाह के सामने हमें हिसाब देना है अगर हमने कुछ गलत काम किया दुनिया के अंदर तो अल्लाह के सामने अपने अमाल का हमें हिसाब देना पड़ेगा और अपनी ख्वाहिशा को दबा ले गया गुनाहों से अपने आप को बचा ले गया गुनाहों से माफ़ी मांग लिया तो ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत है माम बुखारी रहमोल्ल के बारे में अलामा दाउदराज दहलवी रह ने अपनी जो शर लिखी है सही बुखारी की उसकी शुरुआत में बुखारी की सीरत से मुतलिक चंद बातें लिखी हैं उसमें इन दोनों वाकयात को जिक्र किया है अबू माशर एक नाबीना बुजुर्ग मुहदस थे और वो एक मरतबा दर्स दे रहे थे इमाम बुखारी रहमोल्ला भी उस दरस में मौजूद थे उस मदलिस के अंदर मौजूद थे आपको अंदाजा होगा कि नाबीना आदमी जो होता है जिसको दिखाई नहीं देता वो बातचीत करने के दौरान खिताब करने के दौरान जब वो समझाता है तो अपने सर को हरकत देता है हाथों को हरकत देता है उसके अंदर हरकत कुछ ज्यादा पाई जाती है तो क्योंकि लोगों को देखता नहीं है अपने हिसाब से वो अपने धुन में बात करता है अबु माशर जो बुजुर्ग मुहद्द थे वो एक दिन दर्श के दौरान बड़ी खुशी में थे फरते मसरत में अपने हाथों को और सर को हरकत दे रहे थे खुशी के आलम में दर्श देने के दौरान उनके हाथों से हरकत हो रही थी और सर को भी हरकत दे रहे थे इमाम बखारी रहमुल्ला ने जब इस मंजर को देखा तो हंसने लगे इमाम बखारी रहमुल्ला को हंसी आ गई कभी कभी इंसान कुछ ऐसी हरकत करता है कि फितरी तौर से इंसान को हंसी आ जाती है इस हंसी का इमाम बखारी रहमुल्ला को बाद में एहसास हो गया कि हमने नाहक उनकी इस हरकत पर हंसी का इजहार किया और हमने हंस दिया इस कदर एहसास हुआ इस कदर एहसास हुआ कि इमाम बखारी रहमुल्ला अबू माशर के पास तशरीफ ले गए जो बुजुर्ग थे उनसे कहा आप मुझे माफ कर दीजिए उन्होंने ताजुब से पूछा हजरत आप किस चीज की माफी मांगने के लिए आए किस बात से मुतालिक आप माफी तलब कर रहे हैं मुझसे इमाम बखारी रहमुल्ला ने उस वाकई को याद दिलाया कहा एक दिन आप जब हदीस का दर्श दे रहे थे मारी खुशी कि आप अपने हाथों को भी हरकत दे रहे थे और अपने सर को भी हरकत दे रहे थे यह मंजर देख कर मुझे हंसी आ गई थी मैं इस बात पर आपसे माफी मांग रहा हूं कि अल्लाह तला कहीं कयामत के दिन मेरी पकड़ ना कर ले कि कहीं मजाक ना हो गया हो आपके बारे में अब रहमल्ला ने फरमाया कि आपसे इस बारे में कोई बात पुरुष में नहीं करूंगा मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपसे सवाल करूंगा या आपने ऐसा किया तो आपने गलत काम किया है मेरी तरफ से कोई बास पुरुष नहीं है तो मैं बुखारी रहमुल्ला को तो इस बात का इतमान हो गया कि इनकी तरफ से कोई जो है पकड़ की बात नहीं है इसी तरह इमाम बुखारी रहमोल्ला के पास एक लौंडी थी एक दिन वो आपके हुजरे में आ रही थी और आपकी किताबें रखी थी आपकी दवात वगैरह रखी हुई थी वहां पर उसने देखा नहीं और टकरा गई दवा से और पूरी सियाही गिर गई रोशनाई गिर गई फैल गई कमरे के अंदर इमाम बुखारी राम ने टोका कि तुमको दिखाई नहीं रहता है तुमने सियाही गिरा दिया कलम और सियाही का दौर था उस वक्त तो इमाम बुखारी रहमोल्ला ने से उसको टोका तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने नामअुल जवाब देते हुए कहा आप इस तरह से फैला करके रखते हो और मुझे डांटते भी हो उसके बाद इमाम बुखारी रमोल्ला ने इस जवाब में नाराज होने के बजाय क्या कहा जाओ मैंने तुझे अल्लाह के लिए आजाद कर दिया इमाम बुखारी रमोल्ला ने जवाब में क्या कहा जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए आजाद कर दिया लोगों ने पूछा हजरत आपकी लौंडी ने आपको डांटा और कहा आप सामान इस तरह फैला करके लगते हो मैं किधर से गुजरू पिछले में टकरा गई आपने जवाब में उसको डांटने के बजाय उसे आजाद क्यों कर दिया इसलिए आजाद किया कि उसकी उस हरकत से और अमल से मैंने अपनी इसलाह कर ली जब उसने कहा आप सामान इस तरह फैला के रखते हो और अगर मेरा पैर लग गया तो मुझे डांटते हो तो मैंने अपने नफ्स की इसलाह कर ली और इसी खुशी में मैंने उसे अल्लाह के लिए आजाद कर दिया मेरे भाई गौर करो आज हम किस तरह से अपने जो है काम करने वालों के साथ अपने मुलाजमीन के साथ बर्ताव करते हैं जो लोग काम करते हैं हमारे जेरे निगी होते हैं किस तरह हम उनको हकीर जानते हैं मजाक उड़ाते हैं इन दोनों वाकया से इस बात का अंदाजा होता है कि इमाम बुखारी राम किस कदर आखिरत से डरने वाले थे आखिरत के हिसाब का किस कदर खौफ था हंसी आ गई अब की हरकत पर तो उस पर माफी मांग ली और लौंडी ने कहा कि आप रास्ता ही नहीं छोड़ते हो इधर उधर सामान बिखेर करके रखते हो इस पर इमाम बुखारी रमोल्ला ने उसको आजाद कर दिया अल्लाह तला से दुआ है कि रबीन हम तो मुसलमानों को भी आखरत के हिसाब का खौफ हमारे दिलों के अंदर और हमें आखरत की तैयारी ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज -सलफ पर किताब सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकन